तो यार मुझे पता है आप भी यूट्यूबर हो और आप भी यही सोच रहे होगे कि भाई हमारा भी नया चैनल है या फिर पुराना है थोड़ा बहुत, तो हम उस पर ना थोड़ा सा ग्रो करना चाहते हैं उसे, और हमें कोई ऐप बता देगा ये बंदा जो भाई चैनल ग्रो कर देगा, ऐसे ही सोच रहे ना। मुझे पता है आपका जवाब भी हाँ ही होगा। नहीं यार ड्रामे बस ना करो, मुझे पता है आप इसीलिए आए हो। तो वीडियो को मत वॉच करना और चलो लाइक करो वीडियो को फौरन से, जल्दी जल्दी करो, मैंने नहीं कुछ सुना, लाइक करो और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हसन है और आज के वीडियो में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आने वाली है। इसके लिए इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पांच ऐसे यूजफुल ऐप्स के बारे में जो कि भाई अगर आपके पास होंगे मोबाइल के अंदर तो आप भी अपने YouTube चैनल को थोड़ा बहुत ग्रो कर पाओगे उनकी मदद से, उन ऐप्स की मदद से। तो इस वीडियो को फुल वॉच करना, ऐसे ऐप नहीं है कि भाई सब फॉर सब कर रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा सोचना भी ना। और ये ऐसे हैं कि भाई इनकी मदद से आपको थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं YouTube के चैनल के बारे में वो पता चल जाएंगी और आपका जो चैनल है वो ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो को फुल वॉच करना और चलो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, लाइक पूछते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। लाइक करो भाई, लाइक करो, 100 लाइक करो। लाइक का टारगेट आपने सुन लिया होगा तो बस कर दे रहा कंप्लीट, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लिस्ट में सबसे पहला वाला ऐप है ना वो बेसिकली है टैग्स फॉर यूट्यूबर्स। अब ये वाला जो ऐप है ना ये काफी ज्यादा यूजफुल है हर एक यूट्यूबर के लिए। अब होता क्या है कि भाई जब भी हम कुछ भी यूट्यूब पे सर्च करते हैं ना, अब मैंने मिसाल के तौर पे सर्च किया हाउ टू मेक इंस्टाग्राम अकाउंट, ऐसा कुछ सर्च किया, तो जो टॉप पे वीडियो आ रही होती है ना उसके अंदर कुछ ना कुछ खास बात होती है, या फिर उसके टाइटल में या उसके डिस्क्रिप्शन में या फिर उसके टैग्स के अंदर। अब जो टैग्स होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। ये वाला जो मैंने आपको ऐप बताया इसकी मदद से आप देख कर सकते हो, आपने जो भी वीडियो यहाँ पर टॉप पर आ रही है उसके जो टैग्स हैं वो आप देख सकते हो। अब आपने करने के आप भी अगर इसके ऊपर वीडियो बनाओगे आप वही टैग्स जो है वो कॉपी करोगे वहाँ से, सिंपली आपने उस वीडियो का जो यूआरएल वो कॉपी करना है और उस ऐप के अंदर यहाँ पे आ रहा होगा यूआरएल कॉपी पेस्ट करने के लिए, आपने जाके वहाँ पे सिंपली यूआरएल को पेस्ट करना है, आपको उस वीडियो के जो टैग्स हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे। है क्या नहीं मज़े की बात है, मज़ा आ गया। इस ऐप की वजह से आपको जो टैग्स है वो देखने मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर वीडियो की जो भी आपने वहाँ पे यूआरएल कॉपी करके पेस्ट किया है उस वीडियो के, तो उसकी वजह से आप वो टैग्स को कॉपी करके अपनी वीडियो के अंदर यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके वीडियो के भी चांसेस हैं कि भाई वो रैंक करेगी और आपका जो ग्राफ है वो ऐसे ऊपर जाएगा रॉकेट बन के। अब जो सेकंड नंबर पे ऐप है ये मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा जो यूट्यूबर्स उनको ऑलरेडी पता होगा, बट कुछ जो बिगिनर्स होते हैं उनको नहीं पता इस ऐप के बारे में, उनको मैं बता देता हूँ। और यस मैं बात कर रहा हूँ YT स्टूडियो की। अब ये वाला जो ऐप है ना ये काफ़ी ज़्यादा जो ओल्ड यूट्यूबर हैं जिनको मंथ हो गए या फिर 15 दिन हो गए ऐसा जो भी हो गया उनको पता होगा इस ऐप के बारे में कि भाई इससे हम यूट्यूब के एनालिटिक्स वगैरह देख सकते हैं, व्यूज़ कितने आए हैं पिछले एक महीने में, वॉच टाइम कितना है, अर्निंग कितनी हुई है, सारा कुछ उनको पता है कि भाई इस ऐप के अंदर आता है। बट जो बिगिनर्स होते हैं उनको ये कुछ भी नहीं पता। इस ऐप की वजह से आप ये चीज़ें देख सकते हो कि भाई हमारे जो व्यूज हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, ब्राउज फीचर से आ रहे हैं, सर्च से आ रहे हैं, कहाँ से व्यूज़ आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, ये सारा कुछ आप देख सकते हो। व्यूवर्स की एज कितनी है, गर्ल है फीमेल है जो भी है भाई वहाँ पे आप सारा कुछ देख सकते हो इस ऐप की मदद से, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और आपको ये भी पता चल पाएगा कि भाई कौन से टैग्स हमारे रैंक कर रहे हैं और जिसकी मदद से आप अपनी जो वीडियोस है उस टॉपिक के ऊपर बना के दोबारा से व्यूज़ वगैरह ले सकती हो, अच्छे खासे व्यूज़ पैसा आए आए। तो चलो यार अब बात करते हैं थर्ड वाले नंबर पे कौन सा ऐप है जो कि भाई थोड़ा बहुत आपके चैनल को ग्रो करने में मदद कर सकता है, वो बेसिकली ऐप है सब्सक्राइबर्स काउंट। अब ये वाला जो ऐप है इससे होगा कि आप अपने जो होम स्क्रीन है स्मार्टफोन की उधर आप लगा सकते हो कि भाई हमारे जो डेली सब्सक्राइबर्स है वो कितने बढ़ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के। आप वहाँ पर अपना चैनल सर्च करके वहाँ पर आपने सिंपली वो सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने विजिट्स के अंदर जाकर आपने सिंपली वो उसके अंदर जाकर अपने चैनल को सर्च करके वहाँ पर होम पर ले आना है और इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारे सब्सक्राइबर्स कितने बढ़ रहे हैं और इससे आपको पता होगा कि भाई चैनल ग्रो हो रहा थोड़ा बहुत। तो यार इस ऐप का आपका चैनल तो वैसे ग्रो नहीं होगा ना व्यूज़ बढ़ेंगे, बट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है तो मैंने सोचा कि भाई आपको बताना चाहिए। या जो फोर्थ नंबर वाला ऐप है ना ये बेसिकली एक कैमरा ऐप है और ये आपके जो यूट्यूब चैनल्स को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। अब आपको भी पता है कि भाई जो ऑडियो होती है ना ऑडियो वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है किसी भी यूट्यूब चैनल के लिए। अब ये मेरी आप आवाज़ सुन रहे हो आपको क्लियर नज़र आ रही है, सुनाई दे रही है, नज़र क्या आएगी आवाज़ भाई
अब ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर रहती है भाई, आपने कौन से ऐप से जो आपकी ऑडियो वो रिकॉर्ड की है। अभी मैंने तो एक मोबाइल कैमरा ऐप है जिसकी मदद से ये आवाज़ मेरी डायरेक्टली रिकॉर्ड हो रही है कैमरा के साथ। यार मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ बैकोन कैमरा ऐसे का कुछ नाम है, आपको यहाँ पे शो हो गया होगा, जहाँ पे भी मर्जी तो पता चल गया होगा। यार ये वाला जो ऐप है ना, ये आपकी जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर रिकॉर्ड करता है और आपकी वीडियो क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी और आपकी जो ऑडियो क्वालिटी है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी होगी और आपको सुनने में भी ऐसा मज़ा आ जाएगा जैसे आपको अभी मेरी आवाज़ सुनने में मज़ा आ रहा है ना, ऐसे आपको मज़े आ जाएंगे। अब जो कोई आप भी इससे रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड करोगे ना, आप लोगों को भी बहुत मज़े आएंगे, फिर आप भी बोलना आपको भी आएगा, बहुत मज़ा आएगा। यार जोक से पार्ट, ये वाला जो ऐप है ना कैमरा वाला, ये काफ़ी ज़्यादा यार मुझे अच्छा लगता है। अब ओपन कैमरा काफ़ी लोग सजेस्ट करेंगे बट यार वो ज़रा प्रोफेशनल टाइप का नहीं लगता। इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा जो फीचर है वो लाइक DSLR की तरह के आपको देखने मिल जाते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें अच्छे ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं। अगर आप सर्च करोगे माइक आपको स्पॉट देखने मिल जाती है, वो आप ओपन कैमरा में मिलती है, बट वो जो आपकी आवाज़ है वो अच्छे से जो रिकॉर्ड है यानी कि अभी आपको सुनाई दे रही है ना माइक के साथ आवाज़ आ रही है, ये आपको इतनी कोई अच्छी आवाज़ सुनाई दे रही होगी ना कि भाई आप वैसे सुन ही नहीं सकते। तो मैं कह रहा था कि भाई ये ऐप लाजमी तौर पर डाउनलोड करना। अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला ऐप होता है ना एवरी यूट्यूबर के लिए, वो कौन सा ऐप है। अब मैं बात करूँ एडिटिंग ऐप के बारे में, काफ़ी लोग मुझे सजेस्ट करेंगे कि भाई पावर डायरेक्टर सबसे अच्छा है, ये डाउनलोड कर लो। भाई मेरा पर्सनल जो फेवरेट है ना वो मैं पहली वीडियो के अंदर भी बताया और बताऊँगा भी। अब मेरा जो सबसे ज़्यादा फेवरेट ऐप है ना एडिटिंग का मोबाइल के लिए वो है काइन मास्टर। अब ये नहीं मैं बात कर रहा कि भाई आप मोड डाउनलोड कर लो, आपको वही चीज़ें देखने मिलेंगी, बट यार मोड्स वगैरह में वो मिल जाती हैं बट काफ़ी ज़्यादा जो अच्छी चीज़ें होती है ना वो आपको रियल वाले में ही देखने मिलती है, जो कि पहले स्टोर पे पेड होता है, पैसों से खरीदा जाता है, वाटरमार्क आता है, खरीदोगे तो वाटरमार्क जाएगा, तो वो आप बाय कर लो। नहीं कर सकते तो मोड्स वगैरह तो हैं ही, वो कर सकते हो। अभी आप ये वाली जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, ये भी मैंने काइंड मास्टर ऐप से ही एडिट की है और अब आपका भी हक बनता है कि मैंने इतना अच्छी आपको बात बताई, एडिटर बता दिया, तो लाइक कर दो। आपको भी थोड़ा सा सीखना पड़ता बट इतना भी ज़्यादा नहीं, आप एक दो दिन पंगे लोगे इसके जो फंक्शन उसके अंदर जाके, तो आपको इसके जो फीचर्स हैं उनके बारे में पता लगना शुरू हो जाएगा। हाँ भाई ये चीज़ ये होती है, ये चीज़ ये होती है, इसमें आपको क्रोमा की वगैरह भी ये ऑप्शन देखने मिल जाते हैं और टूल्स वगैरह, इफेक्ट्स वगैरह, और आपको काफ़ी स्टिकर्स वगैरह, काफ़ी ज़्यादा यार अच्छा एडिटर है। तो मैं अभी अपनी वीडियो से एडिट करता तो बस यार यही थे ऐप्स 5 जो कि भाई यूज़फुल हो सकते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे, आपका जो चैनल है वो काफ़ी हद तक ग्रो हो जाएगा, चांसेस हैं। तो बस यार आज की वीडियो के अंदर बस नहीं मिलते, मेरे नेक्स्ट वीडियो में जाते जाते मेरे सेकंड चैनल को लाजमी तौर पर चेकआउट करना, लिंक मैंने अपना उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, तो चेक कर लेना। और बस आज की वीडियो के अंदर बस नहीं मिलते, मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड पीस आउट।